अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जी मोहम्मद तालिब चौहान और मैं amana.com से बिलोंग करना। आज ने सेशन में मैं तुसा मारे एक इंतहाई जबरदस्त प्रोजेक्ट किनी आया, जिसनी खास गल यही है कि उसना NOC अप्रूव्ड हो चुका है। जी हाँ, उसना NOC CDA और गुलबर्ग ग्रीन सू अप्रूव्ड हो चुका है और एक टोटल लीगल प्रोजेक्ट है। उसने नाल उसना ग्रे स्ट्रक्चर भी 100% मुकम्मल हो चुका है और उसने नाल और इस्लामाबाद और गुलबर्ग ग्रीन नहीं प्राइम लोकेशन पर वाकया। जिस प्रोजेक्ट ने बारे में उसे दसने नहीं कोशिश करना पाया जी, उसना नाँ जी दी आर्केडिया एक ऐसा लग्जरी क्लास प्रोजेक्ट है जड़ा कि गुलबर्ग रेजिडेंशिया ने डी मरकज ने वस्त वाकया और इसने कमर्शियल हब ने अंदर लोकेटेड आ। उसने जड़ा अगर मैं तुमने प्लान ने बारे दसा था, उसना फ्लोर प्लान इस तरह ने डिज़ाइन किया गया कि और टोटल इसने 5 फ्लोर हो सन जी, लोअर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। इसने अंदर जनाब टोटल 77 डिफरेंट रिटेल शॉप्स हो समझी। इसने नाल 15 प्रोफेशनल लेवल ने और प्रोफेशनल टाइप ने कॉर्पोरेट ऑफिस डिज़ाइन किए जा सन। इसने नाल जनाब तुसाने 15 ही डिफरेंट लग्जरी क्लास अपार्टमेंट्स डिज़ाइन किए जा सन। इसने जड़ी लोकेशन इस वजह से चूज़ की कि इसने जो अपार्टमेंट से ना उसने एक साइड से व्यू जरा मारगिला हिल्स ना आसना जी और दूसरी साइड से जरा उसका व्यू आवा डंडन पार्क ना व्यू आसना जी। और इसने अगे पिछे टोटल जनाब ग्रीन स्पेस रखी गई जी हाँ। और इसने नाल अगर इस प्रोजेक्ट ने और मैं खूसियत दसा तो दिता है, यह प्रोजेक्ट ऐसी लोकेशन पर वाकया के जिसने अगे पिछे टोटल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने पे और बिल्कुल ये जड़ा ना सही रशी किस्म ना कमर्शियल हब बनना पाया। जिस तरह हमारी स्क्रीन पर तक ही सकने, उसने अगे पिछे डिफरेंट प्रोजेक्ट से सिटी हाइट्स, ओपल स्केयर और इसने नाल दिप्रिजम हाइट्स और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट से जिन्होंने भी काम बहुत तेजी जारी आ और फ्यूचर आने वाले वक्त फ्यूचर करीब ही जनाब इस तरह ना कमर्शियल बनी जा सके। इतना जनाब तुसानी प्रॉपर्टी परचेज करना तो हमारे हो बिल्कुल मुश्किल हो जासी। इसने हमारे ये जड़ा ये टाइम आ ये मौका वा इस तरह ना मौका कि तुसा कोई भी बंदा जड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहना या कोई अपनी दुकान बनाना चाहना या अपना कोई प्रोफेशनल लेवल ना कॉर्पोरेट ऑफिस सेट करना चाहना, इसने नाल जड़ा अपना लग्जरी स्टाइल ना कोई अपार्टमेंट बुक करना चाहना, उसने हमारे एक ज़बरदस्त मौका आ जी। और इसने अगर डिवेलपमेंट के बारे में अगर तुम इसने मैं तुम्हें दसने की कोशिश करा तो इसका डिवेलपमेंट काम बहुत तेजी जारी आ। डिजैन बिल्डर जड़े ना वो इतने क्रेडिबल बिल्डर से कि उन्होंने जनाब 2 साल की कमिटमेंट की थी तो टोटल 1 साल और 2 मंथ ने अंदर अंदर इन्हें फाइनल जड़ा इन्हों फ्लोर आ फाइनल जड़ा इन्हों फ्लोर छत ही उसना ग्रेस आज लेंटर पोरिंग करने पे और इसका ग्रे स्ट्रक्चर आज कंप्लीट होने जा रहा। हूँ ही मैं तुसें जनाब इस जड़ा ना इस साइट ने जड़ा फाइनल कंक्रीट पोरिंग होनी भी उत्थे घिनी जासा तो उत्थे तुसें दसा कि जड़ा इन्होंने फाइनल छत आ उसकी कंक्रीट पोरिंग कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, उसका काम आज तकरीबन फाइनल हो जा सी और आज ना ऐसा दिहाड़ा वा कि जिसने आज इन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो ही जासी जी। अच्छा जी, हूँ अगर तुम असा दसा जी डिवेलपमेंट स्टेटस के बारे जिसने इस टाइम असा मौजूद है साइट पर बिल्कुल जी, तो तुम चेक करी सकने हो कि डिवेलपमेंट ना जो कम आ फुल पेस नाल जारी आ। ठीक है, माड़े पिछे जरा ना अज दी आर्केडिया ना जरा फाइनल छाती ना उसना लेंटर होना पाया जी। ठीक है, लेंटर इस बाद कंप्लीट होना पाया तो माड़े पिछे जी पूरी टीम इंजीनियर साहब भी मौजूद हैं, सारे मौजूद संगे हो। जिस तरह तुम कि हूँ मैं विजिट करवाया जनाब इन्होंने आज फाइनल छत नहीं कंक्रीट पोरिंग होनी पी और अज इन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होना पाया जी। तो इसने अगर मैं तुम्हें डिवेलपर ने बारे दसा तो यह जो प्रोजेक्ट है जैन बिल्डर वाले प्रोजेक्ट आ जो कि जैन बिल्डर एक ऐसी कंपनी है जरा कि 1995 सुना इस फील्ड से और इन्हें कराची से अपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट किए से। ठीक है, डेवलपमेंट ने और इस तरह हूँ अज गुलबर्ग ग्रीन और इस्लामाबाद ही डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने पे इन्होंने और भी बहुत सारे मैनचेस्टर रॉयल सिटी हाइट्स नाल डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलने पे जी। तो जनाब एक बिल्कुल क्रेडिबल बिल्डर है और इन्होंने एक मार्केट के अंदर बिल्कुल रेपुटेशन ही अगर तुम सर्च करो इन्होंने वैबसाइट पर तो जनाब तुम पता ले जा सके कितने क्रेडिबल बिल्डर है और इन्होंने जरा कितना जरा ना गुडविल है। मैं तुम जरा इस प्रोजेक्ट ने कंस्ट्रक्शन टीम ही और कंस्ट्रक्शन जरा कंपनी है उसने बारे उसने जो MDA और जो CEO उन्होंने व्यूज शेयर करवाना जी, उन्होंने क्या व्यूज है और असें तो दसन कि उन्होंने किस तरह का मटीरियल यूज़ किया और वो किस तरह का प्रोजेक्ट बनने जा रहा था। आओ जुलने तो जनाब इन्होंने इंटरव्यू तुम सुनाने जनाब MD और जनाब CEO ना। अब हमारे साथ मौजूद हैं जी दी आर्केडिया के जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी का रही है डिवेलोस्केप के CEO मिस्टर आतिफ खान और उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शहजाद खान। तो अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह का काम कर रहे हैं, ये इसमें काम की क्वालिटी कैसी है और दी आर्केडिया का जो इनके अपने ये डेवलोस्केप का इंट्रोडक्शन भी हमें करवाएंगे और साथ साथ जो जिस क्वालिटी का ये वर्क हो रहा है उसके बारे में हमें ब्रीफ करने लगे जी। मिस्टर शहजाद, बेसिकली डेवलोस्केप एक आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट फर्म है और फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ दी आर्केडिया हम यहाँ पर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं और इस दी आर्केडिया की कंस्ट्रक्शन के लिए ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है फ्रॉम फायर एंड सेफ्टी
ईच एंड एम ई पी जो भी इसके आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन है, आर्किटेक्चुरल भी इसका विक्टोरियन स्टाइल यहाँ पे फॉलोअप किया गया है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसको ए प्लस क्वालिटी के ऊपर डिज़ाइन किया गया और उसी को एग्जीक्यूट किया गया यहाँ पर। अभी भी आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज़ की सेफ्टी और क्वालिटी को मद्देनज़र रख के इसको कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पर आप इसके स्टील टेस्ट से लेके कंक्रीट टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ही इसको इंप्लीमेंट किया गया है यहाँ पर। थैंक यू मिस्टर शहजाद, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू मिस्टर आतिफ, आपने हमें टाइम दिया। तो संघियों, जिस तरह के तुम हूँ बिल्कुल है, इन्होंने जनाब साइट में भी विजिट किया, इन्हें जो इसने इंजीनियर वगैरह उन्होंने व्यूज भी सुने, तुम्हें अंदाजा हो ही गया उसी कि कितना क्वालिटी किस्म क्वालिटी ना प्रोजेक्ट बनना पा रहा, किस तरह जनाब इस तरह पेस नाल प्रोजेक्ट बनना जा रहा है। इसने ना नाल मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट ने मजीद फीचर के बारे दसा, तो यह प्रोजेक्ट जनाब बहुत जैन बिल्डर वाले तुम्हें जनाब बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करने पे, जिसने भी तुम्हारी नॉन इंटरप्टिड पावर सप्लाई ना एक फीचर आ, इसने ना सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस ना फीचर आ, जिसने जिन्हें डिफरेंट जो कंपनीज या सिक्योरिटी कंपनीज उन्होंने एमओयू इन्होंने साइन हो चुका हुआ। इसने नाल सीसीटीवी कैमराज नहीं जी इंस्टॉलेशन और सीसीटीवी कैमराज नहीं मॉनिटरिंग भी प्रोवाइड कर सन, वाक थ्रू गेट्स हो सन। इसने नाल जनाब तुसन जितनी भी एक फिटिंग हो सी और टोटल इंपोर्टेड फिटिंग यूज कर सन, ठीक है। इन्होंने लाइटिंग ना स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन किया जा सी जड़ा कि असा तुम दसा करते लाइटिंग ना स्ट्रक्चर इस तरह टोटल मॉडर्न स्टाइल ना, और जनाब अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जनाब ए उस चीज़ की डिजाइन करने की कोशिश करने पे। इसने नाल मैं अगर मजीद दसा तो दी आर्केडिया ने जो बिल्डर है जैन बिल्डर वाले डिफरेंट ब्रांड्स की ऑफर करने पे, और इस आर्केडिया ने जो ग्रैंड शॉपिंग मॉल हो सी उसने अंदर डिफरेंट किस्म ने ब्रांड्स ओपन हो सन जी, और हर किस्म ना ब्रांड जरा तुम एक छत तले अवेलेबल हो सी, और जरा तुम बिना किसी भी तरह की चीज़ किन्ने मारे किसी डिफरेंट जगह पर जाना नहीं पैन लगा, एक ही शॉपिंग मॉल ने अंदर एक ही हॉल ने अंदर हर तरह की चीज़ अवेलेबल हो जा सी जी। इसने अगर मैं तुम्हें प्राइस प्लान ने बारे अगर दसना दसा, जिस तरह कि तुम स्क्रीन पर नजर रखना पाया जनाब, इसने जो लोअर ग्राउंड फ्लोर आ जी और 32,000 पर स्केयर फुट पर मिलसी, उसने नाल ना जरा ग्राउंड फ्लोर आ उसने स्केयर पर स्केयर फुट की कीमत जी 45,000 ही, इसने नाल ना जरा फर्स्ट फ्लोर आ उसने पर स्केयर की कीमत जी 32,000 ही, इसने नाल ना जरा सेकंड फ्लोर आ उसकी कीमत जी 18,000 पर स्केयर फुट ही, और इसने जरा थर्ड फ्लोर आ जी उसकी जो स्केयर फुट की कीमत जी 8,500 रुपया। इसने नाल अगर मैं तुम्हें दी आर्केडिया ने बुकिंग ने बारे दसा, तो दी आर्केडिया ने अगर तुम किसी भी अपार्टमेंट नहीं और कारपोरेट ऑफिस नहीं या किसी शॉप नहीं बुकिंग करवाने ना सोचने पे हो, तो तुम सब तो पहले चाहिए उसी जी जो बंदा बुकिंग करवाना पाया उसने आईडी कार्ड या पासपोर्ट, उसने नाल उसकी एक पिक्चर, इसने नाल जनाब उसना जो नॉमिनी हुआ उसना एक आईडी कार्ड और उसनी पिक्चर और एप्लीकेशन फॉर्म जो सारे ऑफिस मौजूद है वो फिल कर सा, सारा काम आज अस फिल अप करी तुसानी बुकिंग जी प्रोसीड करी छोड़ सा जी। इसने नाल अगर तुम दी आर्केडिया ने बारे मजीद किसी किस्म की इनफॉर्मेशन चाहिए, सारे जो थला दिते गए नंबर है उसने पर बिला झिझक कॉल करो, सारा नुमाइंदे 24/7 तुसानी क्वेरियां की इंटरटेन करने बारे हाजिर है, और इसने नाल सारा जो यूट्यूब चैनल है जी amanat.com उसी सब्सक्राइब करो, इसने नाल सारी अपेरेंस जी वैबसाइट पर www.amanat.com, इसने नाल फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगह असं एग्जिस्ट करने जी, किसी भी चैनल रबता कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में एक नए सैगमेंट नाल एक नए प्रोजेक्ट के बारे इनफॉर्मेशन किनी, तो ऐसा तब तक अपने होस्ट की इजाजत दियो, अल्लाह हाफिज। amanat.com पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।